इस संसार में सबसे पुराना जानवर कौन सा है? पहले मैं बताऊं? बताओ। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, मुझे लगता है सबसे पुराना जानवर है, और ये दो कृषि वैज्ञानिक देख रहे हैं यहाँ अंदर। टूटेगा ना पेड़ सीधे नीचे। क्या बोलेंगे इसको? खटाई भी नहीं बोलेंगे इसको, इसको मिठाई बोलेंगे। मिठाई? हाँ, क्योंकि ये मीठे है ना। वाह यार सिद्धि, यार तेरे पे इतना दिमाग कहाँ से आ गया यार, तो जीनियस है यार सिद्धि। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये है प्रातःकालीन समय, और कल रात यहाँ हुई थी बहुत अच्छी बारिश, तो इस वजह से आप देख सकते हैं खेतों में अच्छी खासी नमी हो रखी है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसात का मौसम आ चुका हो। और आज आसमान में पूरी तरह से बादल लगे हुए हैं, सूर्य देव के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, और हम इस ब्लॉग के माध्यम से आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हमने सुबह का नाश्ता कर लिया है, और हमारे पारिवारिक सदस्य कुछ खेतों में जा रखे हैं, और कुछ लोग अभी घर में ही हैं। और हमारे गांव में पहुंच चुके हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ये देखिए चिड़ियों की फोटो खींची जा रही है। दो चिड़िया सफेद है, एक चिड़िया काली है। साधना और मन्नू यहाँ पर कर रही हैं अपनी स्टडी, और शिवि कर रहा है मस्ती। आजकल हम सब लोग माँ पिताजी के साथ गांव में आ रखे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बड़ा सा परिवार है हमारा। अब इन दोनों की प्लानिंग हो रही है आड़ू तोड़ने की, कि कैसे तोड़ेंगे। अब मैं देख रहा हूँ इन दोनों का ज्ञान। हाँ बेटे पत्थर मार, फिर मेरे सिर में आएगा वहाँ से। कैसे हो तुम कालिदास? ये अरे भगवान, वहां से तोड़ते रुक जाओ यार, निशाना है यार सीधी तेरा भी। उसको नहीं छूते, टूटेगा ना पेड़ सीधे नीचे। आपके सिर के ऊपर है, और ये दो देखो, और ये बस बस उस पर मत रखो, पैर उस पर मत रखो, ये है दो। आ गए आड़ू, धोओ ना इनको। ठीक है, इसमें हल्के से होते हैं बारीक कांटे, जिनको क्या बोलते हैं शिवी? जीस, इट्स कॉल्ड जीस। मेरे हाथ पे चुभ भी रखा है। कहाँ? शिवी टंग को खुजली होती है उनसे। शिवी इसको खोलो, साफ करके दो दो, साफ करके। ये क्या है? ये गोंद आता है ना आड़ू के पेट से, चिपकाने वाला गोंद। तो ये देखिए कितने अच्छे आड़ू हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक पीच। काफी अच्छे हो रहे हैं, मीठे खट्टे नहीं है। कैसा हो रहा है? मीठी है ना, खट्टे थोड़े। शिवी तुझे खट्टा लग रहा है क्या? मीठे मीठे हैं यार, ये देख। ये पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, हमने एक पूरा कपड़े का थैला बना रखा है, और इस पेड़ को पहना रखा है। तो दरअसल ये है सेब का पेड़, और इस पर लगे हैं काफ़ी सारे सेब, तो ये चिड़ियों से रक्षा करने के लिए इसको बांधा गया है, बंदर और चिड़ियों से, तो इस वजह से इस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। और ये दो कृषि वैज्ञानिक देख रहे हैं यहाँ अंदर कि कितने सेब लगे हुए हैं। हैं है कि नहीं? छह सेब हैं। मैंने कितने? देखो आधी लाल आधी सफेद, अभी पूरे पके नहीं है ना, कच्चे हैं। सी भी आप नहीं पक रहे यार, तूने तो बहुत खा दिए मुझे लग रहा है यहाँ। हाँ सब खत्म कर दिया इसने। चाची क्या आप बता सकते हैं सबसे पुराना जानवर कौन सा है? तो शिवी एक कंपटीशन कर रहा है, और हमें पूछ रहा है कि इस संसार में सबसे पुराना जानवर कौन सा है। पहले मैं बताऊं? बताओ। तो जहां तक मेरा अनुमान है, मुझे लगता है सबसे पुराना जानवर है डायनासोर। गलत, जेब्रा। जेब्रा है क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। बाकी सारे जानवर कलर्ड होते हैं इसीलिए। जेब्रा? हाँ। ऐसे कैसे? क्योंकि बाकी सारे जानवर कलर्ड होते हैं ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो पुराना है। हाँ। वाह यार क्या गजब थ्योरी है भैया, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शाबाश बेटा, बहुत
बहुत बढ़िया। पहाड़ों में जो भोजन करने का समय होता है वो एक फिक्स समय होता है और उसी समय भोजन किया जाता है, तो इस वजह से जो यहाँ का डेली रूटीन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और सुबह हमने नाश्ता किया था और अब दोपहर की भी तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए, ये है पहाड़ी दाल, इसमें है सोयाबीन, छीमी और उड़द, जिसे कि हम बोलते हैं मांस। कैसे पीछे अखोड़ के गुस्लस लगना था, अभी कच्चा थे ना। अच्छा अच्छा, अभी तो कच्चा है कागजी अखोड़। अजय और नीरज भैया है ना, उनका पेड़ है यहाँ पर रास्ते में, तो वो गिर रखा था ना नीचे, तब ले खराब हुआ। अभी ठीक सामने वंदना की क्लास चल रही है, पिताजी उसको कुछ बता रहे हैं। ये चीजें तो बनती हैं, वो रोटी दाने होते हैं जो, और लड्डू भी बनते हैं इसके। हाँ, हाँ। लेकिन जो वो मतलब वहाँ है ना काशीपुर में, जो मैंने काशीपुर चौलाई चौड़े चौड़े पत्ते, मतलब ये तो पतले मतलब लंबे पत्ते हैं ना वो। हाँ वो चौड़े भी हैं, हैं वो, ये भुज्जी का है, सब्जी का है। ये सब्जी वाला होता है और दूसरा वो जो बीज आते हैं दाने, इसके इसी कलर के होते हैं, जैसा इसका डंठल थोड़ा रेड, बीज वाला दूसरा होता है। तो जब हम उस बार आए थे तुमने किस ये में पूरा चौलाई है हरी सब्जी के लिए, उस बार वो फूल आए थे गोदड़ी। अच्छा, बोलते हैं हम उसको गोदड़ी, तोरी नहीं बोलते हम। उगी नहीं है ना, उससे आएगी उधर लगी है गोदड़ी, फिसलेगा ना, भीग रखा है पेड़ बारिश से। ये मीठे करेले होते हैं, खाए देखा कभी, सुखा करके रखे हैं अभी भी। मीठे करेले, ककोड़े बोलते हैं जिनको, ककोड़े हिंदी। अच्छा ककोड़े मैंने सुन रखा, आपने दिखाया तो मुझे, इतने छोटे छोटे हैं ना। बस बस बस, हेलो गाइस, मैं जरा सा भी हिला मैं भीग जाऊंगा। देखा तुझे भिगाता हूं मैं, पानी अटक रखा है पूरे पेड़ में, सीधी गिरा ना, छींटे आ रहे हैं ना अभी आपको। मन्नू जी ने आपको पता है काला सांप देखा था यहां पे, काला स्नेक रहता है यहां एक, बिल्कुल ब्लैक कलर का। ये नारंगी का पेड़ है, कौन सा यहां अंदर अंदर ये है वो सामने छोटा सा जो ये है। कितने सारे अनार आ रहे हैं, टोकरी टोकरी भर करके ले जाते थे, खूब खाते थे जून के महीने में। अब वो वाला पेड़ हमारा, वो सारे पेड़ हमारे जो यहाँ, ये पूरा खेत हमारा है यहाँ से वहाँ तक लास्ट। अब एक एक पेड़ बता, जितने पेड़ हैं पापा जी ने लगा रखे, इस पे अगर पंप कर दिया तो ये तब सड़ते खराब नहीं होते हैं। एक छोटी पंप मैंने तो उस छोटे पंप से किया, इसके लिए बड़ा पंप होता है जो दूर तक पहुँच जाए। और ये है मौसमी, मुझे सब पेड़ एक जैसे लग रहे हैं, और नारंगी के अभी छोटे हैं ना, मौसमी के भी, मौसमी के भी अभी छोटे हैं। जहाँ से आप आए थे वहाँ, और ये तो ये बड़ा पेड़ उसका है, क्या बोलते हैं चबूतरा, चबूतरे का बड़ा सा पेड़। ये मिर्ची हैं, ये पौधे मिर्ची के, आलू के भी इसी की तरह। वो सेब का पौधा लगा रखा है, सेब चाची, सेब बहुत ज्यादा रुपए किलो में है। और ये दालचीनी लेते हैं ना आप मार्केट, हाँ, 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 हाँ। दालचीनी, ये अमरूद है, अमरूद ये तो पता है, है? वो देखो चाची उधर किनारे पे अमरूद है, ये केवल फलदार वृक्ष हैं बस। संतरा, पुड़बुड़े ढूंढने जाएंगे, पुड़बुड़े, पुड़बुड़े प्रकार के ये कंदमूल, ठीक है जब सर गिड़केगा तब आएंगे पुड़बुड़े। सीढ़ियों के पास में है ना गुल्ला ककड़ी का बीज है। गुल्ला ककड़ी क्या होता है, ककड़ी होती है एक तरह से छोटी सी। अच्छा जंगली ककड़ी, नहीं छोटी, नहीं खा सकते हैं उसको, पल्प हो रखा है इसके अंदर, तो बीज है उसका, खा तो चखते, मीठा होता है, खा नहीं सकते ना। अरे खाते हैं ये देख, मीठा हो रहा है नहीं, अरे शहद की तरह हो रहा है, नहीं है इसको, इसका वो पकी, ये पिचक गई है ना, इसका बीज बोना है अब। ठीक है एक सामने बो दे, फिर जम जाएगा, उग जाएगा, मतलब जम जाएगा मतलब उग जाएगा। अगर यहाँ से गिरेगा ना तो वहाँ जाएगा ठीक तीसरे खेत में, ये भी याद रखना। हाँ ये भी याद रखना। और यहाँ पर लगने वाली हैं छीमियाँ, ये देखिए छोटी छोटी मुलायम सी ये, और ये पूरी सर्दियों तक चलती है, जनवरी फरवरी मार्च तक, और अभी से लगनी
शुरू हो गई है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक, बिना किसी पेस्टिसाइड के। इसमें जाएगी केवल गोबर की खाद, और जो भी घर का कूड़ा करकट होता है उसे हम इसकी जड़ में डालते हैं, तो उससे नमी भी बनी रहती है और ये खाद भी मिलती है इसको। यहाँ बोलते हैं सदा फल, और अमर फल भी बोलते हैं, और सीता फल। सीता फल तो कद्दू हुआ है, सीता फल अलग होता है, मुझे नहीं पता। पेड़ से हमने आड़ू तोड़े लेकिन ये कुछ ख़राब निकल रहे हैं, और यहाँ पर शिवी और वंदना जो है, क्या बोलेंगे इसको, खटाई भी नहीं बोलेंगे इसको, इसको मिठाई बोलेंगे। मिठाई। हाँ, क्योंकि ये मीठे है ना। वाह यार शिवी, यार तेरे पे इतना दिमाग कहाँ से आ गया यार, तो जीनियस है यार शिवी, तूने सही बोला, इसको मिठाई बोलेंगे। तो यहाँ पर काटे जा रहे हैं आड़ू, और इसमें चैट मसाला बोलते हैं, चाट मसाला बोलते हैं। अच्छा ठीक है, चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला, और उसके बाद तो इसको खाने में आ जाएगा मजा है, आएगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए इन आड़ू ने अभी बड़ा होना था, लेकिन चिड़ियों का आक्रमण इन पे लगातार हो रहा था, इसलिए तोड़ने पड़ रहे हैं, अपने आप ही नीचे गिर जा रहे हैं। अरे वाह। तो अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।